नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ज्ञान में। जी हाँ दोस्तों, एस्ट्रो ज्ञान YouTube चैनल आज आपके लिए लेकर आया है मोबाइल की फ़ोटो से करें वशीकरण। फ़ोटो से वशीकरण करने के तरीके, फ़ोटो के साथ कैसे किसी को अपने वश में किया जाता है, इसकी पूरी जानकारी मैं आज इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप भी जान सकते हैं कि फ़ोटो से वशीकरण कैसे होता है, कैसे आप किसी की भी फ़ोटो के द्वारा उसे वश में कर सकते हैं। दोस्तों, फ़ोटो से वशीकरण तरीके टोटके आपको मौका देते हैं कि आप घर बैठे ही किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकते हैं। ये वो तरीके टोटके हैं जिसमें आपके किसी भी इंसान के सामने होने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे आप उसकी फ़ोटो से उसे अपना गुलाम बना सकते हैं, अपनी हर बातें उनसे मनवा सकते हैं। बस आपके पास उसकी फ़ोटो होनी चाहिए। मोबाइल में भी अगर आपके पास उसकी फ़ोटो है तब भी आप वशीकरण कर सकते हैं घर बैठे और तरीके टोटके जान सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा, ये आपके लिए हिदायत दी जाती है। क्योंकि दोस्तों, जब तक आप वीडियो अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आप नहीं जान पाएंगे कि वशीकरण कैसे काम कर रहा है। तो आगे जानते हैं कैसे इस वशीकरण तरीके को विधि के तौर के तरीके के साथ इस्तेमाल करेंगे और किसी भी इंसान को वशीभूत कर सकें। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन्होंने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, साथ में लगी बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज के समय में बहुत से लोगों को उनका सच्चा प्यार नहीं मिल पाता, वे अपने प्यार को पाने के लिए तरसते हैं, अपने प्यार को पाने की बेइंतहा कोशिशें करते हैं, लेकिन उनका प्यार उनको फिर भी नहीं मिलता। उसके पीछे की वजह कुछ भी हो सकती है, कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन अगर आपने अभी तक उसके बारे में नहीं जाना, अभी तक आप भी अपने प्यार को पाने की तलाश में बैठे हैं कि किसी भी तरीके से आपका प्यार आपके पास लौट आए, लेकिन उसके पीछे की वजह कारण को नहीं पहचाना, तो ये वशीकरण तरीका टोटका अपना सकते हैं, आपका प्यार खुद वापस आने को मजबूर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले तो जिस भी इंसान को वश में करना है, आपके पास अगर उसके मोबाइल में फ़ोटो है तो पहले फ़ोटो लीजिए, मोबाइल की फ़ोटो उनके अपने सामने रखे। किसी भी शनिवार के दिन एकांत कमरे में बैठकर स्वच्छ कपड़े धारण एकांत अपने नीचे सफ़ेद रंग का आसन लगाकर बैठना होगा, तभी ये तरीके टोटके अपनाने होंगे। तो फोटो को सामने रखते हुए अपने एक मंत्रा का जाप करना शुरू कर देना है। प्रभावी पावरफुल मंत्रा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिस प्रकार है ओम ही खुशी भूताय नमो नमः कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आप जाप करेंगे 551 बार और उसके पश्चात अपने क्या करना है कि तुरंत ही जैसे ही मंत्र का जाप समाप्त हो जाए, इस फोटो का प्रिंट आपने निकलवा लेना है और निकलवा कर अपने किसी से गड्ढे में दफना देना है, किसी भी सुनसान स्थान पर जाकर। इतना सा कार्य जितना जल्द करेंगे उतना ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा इसका असर भी, और इस तरीके से आप वशीकरण कर सकते हैं किसी भी इंसान को। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।